वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम जयप्रकाश पावर वेंचर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो जयप्रकाश पावर वेंचर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जयप्रकाश पावर स्टॉक ने आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन्स फ्राइडे के दिन एट लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो आने वाले वीक में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जेपी पावर स्टॉक के लिए, वो भी यहाँ पे हम इस वीडियो में देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी के साथ यहाँ पे कहाँ सपोर्ट और रिजिस्टेंस ले सकता है वो भी चेक करेंगे। तो जेपी पावर स्टॉक ने यहाँ पे 3.90% ऑफ क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन में। तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस फ्राइडे के दिन ओपन हुआ था प्रीवियस क्लोजिंग के साथ। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह सुबह एक अच्छी रैली की थी, एट लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे अपर सर्किट भी लग चुका था, पर दोपहर के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर की वजह से गिरावट देखने को मिली थी जेपी पावर स्टॉक में। तो मार्केट कैप है 5.39,000 करोड़ के, मार्केट कैप है जेपी पावर की, पी रेशियो 19.55 का है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे ईयर टू डिजिट की भी मूवमेंट देखी जाए तो मंथ ऑफ जनवरी से मूवमेंट देखी जाए तो 10% अप यहाँ पे जेपी पावर स्टॉक यहाँ पे मंथ ऑफ जनवरी से तकरीबन 0.75 पैसे अप है। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट एनालिसिस पे नजर डालें तो इस मंथ में देख सकते हो कि मंथली जो रजिस्टर 1 है वो है तकरीबन 7.40। तो उसके पहले रजिस्टर लेके यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक किया था, पर ऊपर जो रजिस्टर 2 है जो है 8.75 लेवल पे, जबकि उसको ब्रेक करता है जेपी पावर स्टॉक तो फिर से 8.40 तक जाने के चांसेस ओपन हो जाएगी जेपी पावर स्टॉक इस मंथ में जहाँ पे रजिस्टर लिया था। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले वीक में जेपी पावर स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जेपी पावर स्टॉक के लिए।